उन्होंने मैनु आपदे हवस का निशाना बनाया, एक एक तो बाद दुई दुई तो बाद त्री, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया, हत्ता कि मैं बेहोश हो गया। ठीक है, लेकिन मैंने पता उन्होंने मैंने बेहोश होने तो बाद भी नहीं छड़िया। चौक के बच्चे जड़ा ना खलोता होया सूँ, गड्डी आते रुकी मेरे को चौक है झूठे शीशे काले नेरा ही बेच के, उन्हें मैंने आख्या चल तेन मैं जड़ा 5,000 दे सा पूरे 5,000। ठीक है, मैं आखे जी 5,000 दे सी लालच मैं पै गया उत्थू जड़ा ना उन्होंने चाहे वो त्रै चार जड़ा ना उन्होंने नाल बैठिया ने, उन्हें शादी का पूछा, मैं आख्या जी कौन नहीं हुई शादी, उन्होंने पूछा तेरी मशूक है, मैं आख्या कोई नहीं, तो पूछा जो अगर तेरी को मशूक हो तो तू की कर सी, मतलब इस तरह के सवाल जड़ा उन्होंने मेरे को पूछते गए रहा, तो मैंने लैते आई आई तो चार नाल होर हैं पाँच हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तौकीर भट्टी। नाज़रीन, हमने बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुने थे कि जो मालशी लोग हैं उनको जो बड़े घर वाली औरतें हैं, जिस तरह हमारे जो एरियाज़ हैं जिसमें डिफेंस वगैरह आ गए, DHA वगैरह आ गए, उसमें इस तरह की बहुत सारी औरतें हैं कि जो मालशियों को अपनी गाड़ी में बिठा कर अपने घरों में ले जाते हैं, और तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हम सुने हैं। तो इसी से रिलेटेड हमें एक ऐसे जो नौजवान हैं वो मिले हैं जो मालिश करते हैं, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़य पेश आया है, उनसे बात करते हैं पूछते हैं कि उनके साथ क्या वाक़य पेश आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हाँ जी। नाम क्या आपका? नाम मेरा गुलजार है। गुलजार, अच्छा, क्या वाक़या पेश आया आपके आपके साथ, और किस तरह आप बता रहे थे कि आप वापस आए काफ़ी अरसे के बाद? देखो जी, मैनू तकरीबन साल आता पाया मैं मालिश का काम करता पाया इतने लाहौर। ठीक है, पहले मैं दाता वाले दरबार की साइड से करता सूँ, लेकिन उत्थे मालिशी बहुत ज़्यादा वध गए हैं। ठीक है, इस करते मुड़ जड़ा ना मैं इस साइड से आ गया। ठीक है, इतने आते करने लग पाया, इतने मालिशी थोड़े आंदा इवे काम लभ जाता ही, दिहाड़ी वगैरह लग जाती है मेरी। एको जरसे पहले की गल है, ठीक है, कि मैं इवें ही जड़ा ना रात को, क्योंकि साडा काम होंदा मालिश का काम होंदा रात का काम होंदा, लोग रात को जड़ा ना आते हैं तो जड़ा ना रात को मालिश वगैरह कराते हैं, थके हुए आते हैं तो रात को घंटा डेढ़ मालिश करवा देने। अच्छा, मालिश करते हुए आपको कितना अरसा हो गया? मैनू तकरीबन जी टाइम साल हो गया जी, साल होने वाला है। ठीक है, इसे काम में चाहिए मैं। क्या वाक्य क्या पेश आया था आपके साथ? ये जी वाक्य इस तरह पेश आया कि कुछ अरसा पहले मैं इसे तरह जड़ा ना चौक के जड़ा ना खलोता हुआ सूँ। ठीक है, एक साइड पर तो मैं आपका मालिश का समान लैते खलोता सूँ कि चलो कोई गाहक उसे अक्सर गड्डिया जोड़े आते हैं वो आते हैं जी सिरे तेल लवावना या जड़ा ना कड्ढे कंधे या मुठियां बरामनिया ने। ठीक है, तो मैं उन्होंने कर देना होना, मैं चौक खलोता हुआ सूँ कि जड़ा ना एक गड्डी आते खलोती है मेरे को। अच्छा, तो आपके पास गाड़ी आके रुकी, उसके बाद क्या हुआ? वेखो जी, वड्डी एक वड्डी सारी गड्डी देना एक गड्डी आते रुकी मेरे को चौक है झूठे। ठीक है, शीशे काले नेरा ही मैं गया कि मैं शायद कोई मेरा गाहक आया है, जाते मैं पूछा अगू जड़ा ना एक कोई मैडम आई। ठीक है, वह बैठी हुई है अंदर। ठीक है, तो उन्हें मेरे को पूछा भी हाँ मालिशी है तू? मैं क्या हाँ जी। तो आंदा है कि मतलब इनके मालिश कर दे कितना टाइम हो गया? मैं जी इतना टाइम हो गया। पूछा तेरी उम्र कितनी है? मैं जी मेरी 24 साल उम्र है भाई। ठीक है, आपकी 24 साल उम्र है? जी 24 साल मेरी उम्र है। ठीक है, तो उन्हें आख्या भी जड़ा ना तू है तो बिल्कुल हट्टा कट्टा नौजवान है, तो तू एक जहाँ काम कर? मैं आख्या जी बस मैं आंदा ही काम है। ठीक है, तो उन्हें पूछा पहले क्या करते रहे? मैं जी इस तो पहले अपने गाँव के चक के जड़ा ना पट्ठे छट्ठे आपके डंगर के करी देते हैं। ठीक है, मजदूरी दिहाड़ी करते रहे? ठीक है, नहीं नहीं डंगर रन उत्थे आपदे तो उन्होंने करते आसे, लेकिन मुड़ हालात ही हो जाए कि डंगर विक बुक गए। ठीक है, मुड़ काम शाम करना पै गया, तो मुड़ इतने लाहौर आ गए, तो मालिश का काम मैंने आंदा ही, पहले मेरा मामा करता आंदा ही, मुड़ मैं आपके मामे को एक काम सीखा, मुड़ मैं आपका जड़ा ना बोतल वगैरह तेल आपका लैते तो आपका मैं वक्रा शुरू कर दिता। कितने लेना पैसे? मैं आख्या जी मैं मुठ्ठी भरण का, सिर गुटन सिर तो तेल लावण का, जड़ा ना लत्तां छत्तां गुटन का, कमर गुटन का, मैं जी पूरा पूरी सर्विस जड़ी ना 500 रुपया मैं लेता हूँ। अच्छा, उसने अपने लिए पूछा या किसी मर्द के लिए पूछा? नहीं, उन्हें मेरे को सिर्फ इो पूछा कि जो तू कितने लेना? मैं आख्या जी मैं 500 लेना। वो आँधी अगर तेन मैं 2-3 हज़ार दे देव, तो मुड़ मैं आख्या जी मुड़ तो सही है। ठीक है, आँधी चल तेन। अभी तक ये भी नहीं पता चला था कि वो 2-3 हज़ार किस चीज़ के लिए दे रही थी? ठीक है, उन्हें मैंने आख्या चल तेन मैं जो 5,000 दे सा पूरे 5,000। ठीक है, मैं आखे जी 5,000 दे सी लालच मैं पै गया। मैं ठीक है जी, तो आँधी आ जा गड्डी चाह। मैं आख्या जी मैं इतें ही करता हूँ ना, किस किनू तुसा मालिश करावनी है? तो वह आँधी नहीं जड़ा ना इतने मैं आप करावनी, मेरा कमर का थोड़ा जहा मसला है। मैं आख्या जी मैं कभी किसी औरत की मालिश नहीं की। आँधी तेन मैं पैसे चंगे दें दी पाई, कोई मसले वाली गल नहीं है, मेरे कमर जड़ा ना चुक पई हुई है, तो तू बस सिर्फ थोड़ा जहा ना तेल ला देना है। ठीक है, तो उन्हें पैसों की मैंने लालच लुलच दी, मैं आ गया लालच आ गया। मैं आख्या चलो ठीक है, लगे चलने हैं। ठीक है, तो मैं गड्डी बैठा। ठीक है, मैंने ये तो डर कोई नहीं है भी मेरे को पैसे खो ले सी, मेरे को पैसे आने कोई नहीं, तेल दियाँ बोतल या कोई ना, मतलब ये माल मालिश का काम करते रहे आप, बटन वाला मोबाइल है। मैं कि मेरे को लुटना है?
ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਵਾੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਤਰ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਏਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਤਰੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਧੇੜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਈਸ ਹਨ ਪੈਸੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਖੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਮੁਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਮਸ਼ੂਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਸੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਗਏ ਰਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਆਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਠੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਠੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਲੈ ਆ ਤੇਲ ਛੇਲ ਆਪਦਾ ਲੈ ਆ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬਵਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਵਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਘਰ ਪੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜਬ ਐਂਟਰ ਹੋਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਈ ਪਿਆ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਅਗਾਂ ਗਈ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਗਏ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਪਿਆ ਆਈ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਵਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਮੁੜ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਂ ਆਪਕੋ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਮੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਆਈ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚੱਲ ਬਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਛਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੜ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ 5000 ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ 5000 ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਤਾ ਆਉਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਵਾ ਪਿਵਾ ਵੀ ਦੇ ਸਾਂ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਵਾ ਦੇ ਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਤਰਾ ਹੈ ਮੁਝੇ ਯਹਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਵੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਲਈ ਸਨ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੀ ਕਹਿਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਲਾਈਟ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਾਬਣ ਪਈ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਪਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਦੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਪਾ ਹੁਣੇ ਪਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਮੈਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੋਜ਼ਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ ਹੱਸਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਪਈਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਨ ਪੰਜ ਹਨ ਟੋਟਲ 5 ਔਰਤਾਂ 5 ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋਕ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਅਸਾਂ ਹੈ ਪਈਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਇੱਕ ਜਣਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਖੇ ਰੁਕ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕੰਘੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕੰਘੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਟ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਖੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਪੇਂਡੂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਬੜੇ ਸਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਅਸਾਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਸੂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੂਈ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦੇ ਉਰਾਂ ਠੀਕ ਉਹਨੇ ਵੀ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ
ठीक है, मैं कहा यार हुण दिहाड़ी चंगी लगती पई ते मैं चुप कर गया, दिमाग ते शैतान आ गया, लालच और साथ हवस भी, वो शैतानी भी जहन में आ गई, साथ वो भी नाल जड़ा ना दिमाग च आ गई। ठीक है, लेकिन मैनू पता नहीं आई कि मेरे नाल की होना है। असा तो डंगर वाले हैं, सानू पता है जानवरों का, उन्होंने एक टीका लिया हो। ठीक है, मैं पछाण तो लिया। ठीक है, वो एक डॉक्टर आई उन्हें चूह आती, उन्होंने आखिया नहीं डॉक्टर नहीं कोई, मैं कर तू का ना लिया। ठीक है, कि इन्होंने टीका ला है, इंजैक्शन ला। कौन सा इंजैक्शन था? है जरा जानवरों मझी दुध वास्ते नहीं, ऑक्सीटोसिन जो ठीक है दूध निकालने के लिए, बिल्कुल दुध वास्ते जरा ना उनके लगता होंगे। नाज़रीन ये देखें कि ये एक अजीब वाक्या है कि एक जीते जागते इंसान को उसकी जो शहवत है वो बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो के जानवरों को हम लगाते हैं कि जिससे जानवर का दूध जो है आना शुरू हो जाता है, वो भाईजान कह रहे हैं कि वो इनके लिए लाया गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उस तो बाद जड़ा ना उन्हें इंजेक्शन मैनू लाया। ठीक है, मैं भी चुप करते लवा लिया। मैं खैर हूँ जो सी हूँ वेखी जा सी, हूँ मैं और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी आख्या ठीक है। उस तो बाद जड़ा ना मुड़ मैं नहीं दस सकता भी जड़ा ना की होया मुड़। उस तो बाद सारिया जड़िया ने ना उन्होंने मैनू आपदे हवस का निशाना बनाया, एक एक तो बाद दूई दूई तो बाद त्री, मेरा बहुत बुरा हाल हो गया, हत्ता कि मैं बेहोश हो गया। ठीक है, लेकिन मैनू पता है उन्होंने मैनू बेहोश होने तो बाद भी नहीं छड़िया। अच्छा, जब आपके साथ ये ऐसी हरकतें कर रहे थे तो आपके मतलब कुछ महसूस हुआ ऐसा कि आपके साथ क्या हो रहा है, या आप उस वक्त होश में थे, पूरी होश में थे इंजेक्शन लगने के बाद? इंजेक्शन लगन तो कुछ देर बाद जड़ा ना मेरे दिमाग से बहुत ज़्यादा नींद जी तरह की इवें नशा जहा आवन लग पै गया। ठीक है, उस तो बाद मैं अपने वासी चु बाहर हो गया। ठीक है, मुड़ जड़ा ना मैं बस शुरू शुरू मैं करता रह गया। ठीक है, एक दे नाल ठीक है मुड़ उस तो बाद मेरा दिमाग ही हो जा सुन होया, मैनू नहीं पता लगा मेरे नाल की होंदा पे। ठीक है, उन्होंने किया जो मेरे नाल किया, मैं प्यार रह गया वा, उन्होंने अपने आप ही सारा कुछ किया, एक एक तो बाद दूई दूई तो बाद त्री, उन्होंने सारिया ने किया, मैं बेहोश हो गया सूँ। तो मेरे बेहोश होने तो बाद भी जड़ा ना वो मेरे नाल करते रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके बेहोश होने के बाद भी वो ऐसी हरकतें करते रहे, लेकिन आपको ये चीज़ें कुछ भी उसके बाद महसूस नहीं हुई? उस तो बाद कुछ नहीं महसूस होया, मेरी अख खुली सुबह सुबह टाइम जाते, मैं कल ही कमरे च पिया आया सूँ, कमरे में बारू कुंडा लगा हुआ आई। ठीक है, मैं उठा वहाँ तो मैं बहुत दर्द हो रही थी, इतने बहुत ज़्यादा दर्द हो रही आई। मतलब पूरी रात आप उसी घर पे रहे? मैं उठा ही रहा वहाँ, मैं इस तरह बेहोश हो गया वहाँ, मेरी सुबह दिन टाइम अख खुली है, तो जिस टाइम मेरी अख खुली है तो मुड़ उस तो बाद जड़ा ना मैं वेख्या कि मैं उत्थे कल ही पिया सूँ। ठीक है, तो कोई नहीं है मेरे आसे पासे, बारू कुंडी लगी पई आई। ठीक है, पैसे उतें ही पे हुए हैं, मैं चल फिर भी नहीं सकता सूँ। ठीक है, मेरे बिल्कुल जिसम में जान खत्म हो गई, जिवें किसी मलेरिया हो जाता है, इवें मेरे जिसम के जान तिकर विचू निकल गई आई। अच्छा, आप वहाँ से निकले कैसे? कि जब आप सुबह उठे थे तो उस वक्त क्या वो मौजूद नहीं थी वहाँ पे? उत्थे मौजूद नहीं हैं। ठीक है, वो मेरे ख्याल नाल ओ कोई जड़ा ना, उन्होंने मेरे ख्याल कोई जड़ा ना एक आंदा ना व्डे लोग अमीर लोगों का एक घर वखरा आंदा, मतलब दावत शावत वास्ते कोई पार्टी शाल्टी वास्ते कुछ इस तरह का घर आई हो। ठीक है, वो एक बकायदा रिहायश तरह का घर नहीं लगता पे आई। ठीक, वो डेरे टाइप लगता पे आई। बहरहाल जड़ा ना उस तो बाद अगले दिन वो सुबह मैं उठा तो एक बार कुंडा लगा पे आई, बड़ी मुश्किल के नाल जड़ा ना मुड़ मैं लैटरीन च गया। उत्थे जी एक आई उन्हों की पखा लगा हों जो हबस बहर कट्टण वास्ते। ठीक है, उस पखे को मैं पटिया उतों प्लास्टिक का पखा ही इतनी एक जगह आई पी, उतों बड़ी मुश्किल नाल मैं लैटरीन चु बाहर निकलिया वा। लैटरीन चु बाहर निकलिया उत्थे और मैं बंदा नज़र नहीं आया, गेट तो चौकीदार भी नज़र नहीं आया, लेकिन मैं कद तू जड़ा ना कद तू टपते तो मैं निकलिया उतों बहुत मुश्किल नाल। मेरे जिसमें जान कोई नहीं आई, लेकिन मैंने आपकी ज़िंदगी प्यारी आई, मेरे बहुत दर्द हो रहा आई, जिसमें बहुत तकलीफ हो रही आई। ठीक है, तो मैनू करद भी जड़ा ना खून आता आई। ठीक है, इतनी इतनी ज़्यादा मेरी कि ना हालत बुरी आई। उस तो बाद मुड़ करते करते जड़ा ना मैं बड़ी औखी पहुँचया वा उतों उस एरिए निकलिया वा, रोड पर पहुँच जावा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? रिक्शा वाले ने मेरे कज़न को आख्या कि इंदी ना हालत बड़ी ख़राब, इन हस्पताल लै जा। ठीक है, मैं आपके कज़न को नहीं दसा कि मेरे नाल की होया। ठीक है, मैं उन्होंने आख्या यार बस मेरी तबीयत बड़ी ख़राब है, लेकिन जहर जी गल डॉक्टर नूं दसन आई, उन्होंने मैं दसिया कि यार मेरे नाल इस तरह होया। उन्हें आख्या यार तेरे नाल बहुत बुरी हुई है, पहले भी मेरे को इस तरह के दो त्रै कि ना मरीज़ आए ने, बहुत मतलब यानी कि हो जाए लोग ने जो मतलब यानी कि आपकी सिर्फ नफ्स वास्ते आपकी हवस वास्ते तो कितना मतलब है। आपको उनके घर का पता है? नहीं, मैनू कोई रात का टाइम आई, रात के टाइम गया से गड्डी के शीशे काले हैं। ठीक है, तो जड़ा ना उन्होंने बजाई हुई गड्डी लै गए ने, मैनू मौका नहीं मिले कि वो किहड़ा एरिया किहड़ा घर आई कित्थे उन्होंने मैनू नहीं पता लगा। उस तो बाद तो मैं उस साइड का रुख भी नहीं किया। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि किस तरह की सूरत हाल यहाँ पर चलती है, कि कितने ही ज़्यादा हवस
ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं, जिसमें जो बड़े घर की जो औरतें हैं वो इस तरह के काम करती हैं। और वो बेचारा अभी बता रहा था कि किस तरह और क्या क्या वाक्य उसके साथ पेश आया, और अभी एक दो माह ही हुआ है उसे वापस आए हुए अपने काम के ऊपर, और काफ़ी अरसा वो बिस्तर में और हॉस्पिटल में पड़ा रहा है। अपने आप के साथ जो उसका जितना भी सिस्टम था वो सारा ख़त्म हो चुका है, जिसमें उसके जो ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। पता नहीं हम कौन से माशरे में रह रहे हैं, बात हम बार बार इस तरह की कर देते हैं लेकिन फिर सवालिया निशान ही उठते हैं, और सवाल तो हम उठाते रहेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तौकीर भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।